गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर की, और मैंने इससे पहले के वीडियो में आपके लिए बायल के नियम को स्पष्ट किया था। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और गैसीय नियम, जिसको चार्ल्स का नियम या फिर ताप आयतन का नियम भी कहते हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए, जो हमसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम, इसको ताप आयतन का नियम भी कहते हैं। कब इसको प्रतिपादित किया गया था, मैंने आपके सामने लिख रखा है कि इसको प्रतिपादित किया गया था 1787 में, 1787 में। किसने प्रतिपादित किया था, तो आपके सामने लिखा है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेम्स चार्ल्स ने इसको प्रतिपादित किया था। क्या नियम है आप देखिएगा, इन्होंने दाब को स्थिर माना है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आप सभी जानते हैं आयतन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप, ताप को हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, तो परम ताप के समानुपाती होता है। आप इसको दो से तीन बार दोहराएंगे तो बच्चों निश्चित रूप से आपको यह नियम याद हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा क्या नियम है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वह किसके समानुपाती है, तो वह परम ताप के समानुपाती है। परम ताप का मतलब टी के समानुपाती है। हम लोग अगर इसका डेरिवेशन बनाना चाहें, अगर हम लोग इसको आंकिक के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो आपको पता है आयतन समानुपाती है किसके समानुपाती है, परम ताप के समानुपाती है। तो ये आपके लिए डेरिवेशन प्राप्त होगा बी समानुपाती टी, आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, तो आपको मैंने बताया था कि आप अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या फिर समानुपाती के जब चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं और साथ ही साथ कोई नियतांक प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ पर के को यूज कर रहा हूँ, आपकी समीकरण हो जाएगी वी बराबर के इंटू टी। अगर बच्चों मैं इसको और भी सॉल्व करूं तो V अपॉन टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये एक तीसरी समीकरण आपके लिए प्राप्त हुई, यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आयतन समानुपाती है परम ताप के, तो यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। और आपके लिए जो समीकरण मिल रही है एक और, बी अपॉन में टी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से भी आपको एक नियम मिल सकता है, अर्थात चार्ल्स के नियम का एक दूसरा रूप भी मिल सकता है। वो क्या होगा मैं भी आपके लिए बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा वो नियम बी अपॉन टी इज इक्वल टू के जो आपके लिए मिल रहा था, उसको मैंने नियम में कन्वर्ट कर दिया है। नियम होगा गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी बी और परम ताप टी दोनों का जो अनुपात है सदैव स्थिर रहता है। अगर आपसे एग्जाम में केवल इतनी बात पूछ ली जाए कि किसी भी गैस का आयतन और परम ताप टी का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, तो यह किसके नियम के अनुसार है, तो आपको ध्यान रखना है यह चार्ल्स के नियम के अनुसार है। क्लियर हो गई बात। आप सभी लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे। अगर बच्चों हम लोग ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू के की समीकरण को आगे बढ़ाना चाहें, अर्थात इस समीकरण को और आगे लेकर के जाएं, तो मैं अगर आपसे कह दूं कि b के मान को b1 व b2 में मैं तोड़ देता हूं,
आप आगे भी इसको यूज कर सकते हैं, B3 यूज कर सकते हैं, B4 यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टी को मैं T1 व T2 में बांट सकता हूँ, आप आगे भी बांट लेना। तो यह समीकरण हो जाएगी, अगर B1 है तो अपॉन में T1, अगर B2 है तो अपॉन में T2, और आगे भी हम लोग इसको चलाते रहेंगे अगर अपने लोगों ने B के मान को B3 B4 में ले रखा है तो। तो यह जो आप समीकरण का नया रूप देख रहे हैं V1 upon T1 = V2 upon T2, यह आपसे पूछा जा सकता है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे तो आप ध्यान रखेंगे। आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपको जिस किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तुरंत आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक और नियम के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ़ रहिए।